वीडियो में डीपली कवर करेंगे जो मलेशिया T10 ग्रैंड रंबल T10 चैंपियनशिप वाला टूर्नामेंट हो रहा है। आज का दिन का सेकंड T10 मुकाबला के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंस मैच रहेगा जो खेला जाएगा BD लायंस वर्सेस एक्टिव के बीच में। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि BLO की जो टीम्स है ना, अभी रिसेंट में इसी टूर्नामेंट में दो मुकाबले खेले जहाँ पर इनकी टीम्स ने जीते थे। सामने वाला टीम है ACT के, जो टीम्स है इनकी टीम का बहुत बड़ा स्क्वाड है और इनकी टीम ने अभी तक मतलब ये टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं खेला है। और सब चीज़ें हम आपको क्लियर करके देंगे कि स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम में, GL की टीम में आखिर किस पर प्लेयर है, क्योंकि लोग ना सिलेक्शन के बेसिस पे टीम बना रहे हैं दोस्तों, उस चीज़ को आपको ध्यान रखे चलने हैं। BLO की टीम ने टूर्नामेंट में जो जो दो मुकाबले खेले थे, पहले वाला गेम 5 विकेट से लास्ट वाला गेम 36 रन से जीता था। इनका बॉलिंग भी सही है, बैटिंग भी सही है, लेकिन एक्टिव के जो टीम्स है इनके टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स है, क्योंकि इस टीम में मोहम्मद वकास जैसा प्लेयर है, हसन मासूद है, जफर मेहदी है, उनके अलावा दिलावर अब्बास बॉलर है, सैफुल इस्लाम बॉलर है, बहुत तगड़ा तगड़ा बॉलर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनका बहुत बड़ा स्क्वाड है, तो सबके बारे में आपको क्लियर करके देंगे कि आखिर किस प्लेयर को स्मॉल की टीम में, किस प्लेयर को आपको GL वगैरह की टीम में लेने हैं। बस आप वीडियो को एक लाइक करके स्टार्ट करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। टेलीग्राम पर आफ्टर टॉस जो भी होगा, हम जिस टीम से खेलेंगे ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम पर जुड़ना कैसे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जुड़ो, या फिर फर्स्ट कमेंट में जाओ, वहाँ पे मैंने पिन कर दी है, वहाँ पे आप क्लिक करके जुड़ जाओ, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करो @FXpot, जैसे आप लिखोगे फैंटेसी एक्सपर्ट का आपको चैनल देखने को मिलेगा। 14,900 अभी सब्सक्राइबर है, 15,000 के समथिंग आपको सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिलेगा, और आपने यहीं पर क्लिक करके जुड़ना। लास्ट टाइम में फर्दर अपडेट आएगी तो हमारे टेलीग्राम पर टीम दी जाएगी। सुबह को मुकाबले होंगे 8:45 में, जस्ट जैसे वो खत्म होगा पहला वाला, इस वाला स्टार्ट होगा, वेन्यू सेम रहेगा। और इसी वेन्यू पर हमने ऑलरेडी 4 मुकाबले इसी सीरीज में देखा है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने एक बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ पे 3 बार मुकाबले जीती थी, तो थोड़ा जो चेंज कर रही है टीम उनको फेवर में जा रही है, नो डाउट। BLO की टीम बढ़िया टीम है, दोनों मुकाबले इनके टीम से ने जीते भी है। इनके ओपनर आएंगे MD जाकिर हुसैन, इनके साथ आएंगे मोहम्मद सागर। बात करेंगे जाकिर हुसैन की, दोनों गेम में ओपनिंग करा है तो पलर पिक आप कर सकते हो, क्योंकि पहले वाला गेम में तो एक ओवर डाला था लेकिन लास्ट वाला गेम में बॉलिंग नहीं कराई थी। बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद ना रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंट में एशिया T10 चैलेंजर कप का टूर्नामेंट देखा था जहाँ पे इन्होंने 7 मैच में केवल 8 ओवर था, इसलिए मैं बोल रहा था कि ओवर कभी भी कंप्लीट नहीं करेंगे। आप इस मौली की टीम में बल्लेबाजी क्रम से आप इनको केवल एज अ पलर रखिएगा। सागर को आप कैप्टेंस वाइज कैप्टन से आप इस मौली और हेड टू हेड की टीम में भी करिएगा, और हमने किया भी था लास्ट वाला गेम में, 20 रन पहले से था, 3 विकेट था, 2 ओवर डाल के पहले वाला गेम में, 35 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के। तो इस वाला मैच में मेरा जो कैप्टन रहेगा मोहम्मद सागर रहेगा, जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है। शफीकुल इस्लाम इनके विकेट कीपर बल्लेबाज है और विकेट कीपर में अवेलेबल भी है दोस्तों, इन्होंने पहले वाला गेम में भी 8 रन था, लास्ट वाला गेम में भी 8 रन था, लेकिन सामने वाला टीम से ना अगर विकेट कीपर से मोहम्मद वकास खेल जाता है तो फिर इनको रखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन ACT टीम से मतलब जो सामने वाला टीम है, अगर उस टीम से मोहम्मद वकास नहीं खेलेगा तो आप इनके साथ विकेट कीपर से जा सकते हो। MD मेहदी हसन लास्ट के 2 ओवर में 5 और 0 है छोड़ेंगे। शमसुल हक टीम के बढ़िया ऑलराउंडर है, रिसेंट के मैचेज में अभी हमने देखा था जो ACT T10 चैलेंजर कप का टूर्नामेंट था, बढ़िया विकेट निकाल रहे थे, 6 मैच में 5 विकेट था, लास्ट के 2 गेम में दोनों गेम में 1-1 विकेट है और बल्ले से 19 और 4 रन करे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की 2 ओवर डाल रहे हैं, तो आप स्मॉलिंग और हेड की टीम इनको भी पलर पिक करके चलिएगा। MD सुजान अली ने लास्ट लगे में 3 रन करा भी था, 2 ओवर डाले भी थे, सुजान अली को भी आप स्मॉलिंग और हेड की टीम में रख सकते हो, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग कराई है दोस्तों। उनके बाद रेहान आए थे 3 और 0 करे हैं। अनवर जही टीम के प्रॉपर बॉलर, लास्ट के 2 गेम में 2 विकेट है और हर गेम में 2 ओवर भी डालेंगे। तारिकुल इस्लाम है विकेट कीपर में, लेकिन ये काफ़ी नीचे खेलते, छोड़ ही दो क्योंकि दोनों गेम में अब तक तो बैटिंग आई नहीं है। बासार रोकीब लास्ट के 2 गेम में 3 विकेट है, हर गेम में 2 ओवर की बॉलिंग इन्होंने भी करी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा कि MD जाकिर हुसैन को पिक करो पहला, सागर को पिक करो दूसरा। अगर सामने वाले टीम से मोहम्मद वकास नहीं खेलता है तो अभी यहाँ पे शफीकुल इस्लाम को रखिएगा, लेकिन अगर वो खेल जाता है तो फिर इनको रखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि मोहम्मद वकास ओपनर बल्लेबाज है। फिर यहाँ पे हम आएंगे शमसुल हक के साथ जाएंगे, सुजान अली खेलेगा इनको भी आप कवर करिएगा, अनवर जाहिद खेलेगा इनको भी आपको रखने हैं, राकिब को कन्फर्म रखिएगा, दोनों गेम में 2-2 डाल के और दोनों गेम में इन्होंने विकेट निकाली है। उनके अलावा बेंच वाले जो प्लेयर्स है, अब्दुल्ला अल तावीद बढ़िया बॉलर है, महमूद उर रहमान बैटिंग वन डाउन कराते हैं, MD फैजल रहमान टीम के ओपनर बल्लेबाज ऑलराउंडर है दोस्तों, खेलेगा आप कन्फर्म ले सकते हो नो डाउट। और भी प्लेयर्स है जिनका हमने स्टैट्स निकाली है, और इनमें से कोई प्लेयर्स खेलता है तो फिर आपको टीम में वगैरह जो भी चीज़ें होंगी टेलीग्राम पर मिलेगी। सामने वाला टीम है एक्टिव की टीम से, मतलब ACT की टीम से, इनकी टीम का आज का दिन का पहला मैच होगा टूर्नामेंट में भी, ठीक है। और मेरे हिसाब से इस टीम से
ओपनिंग करनी चाहिए मोहम्मद वकास, इनके साथ आएंगे हसन मसूद। बात करेंगे मोहम्मद वकास की, वैसे तो विकेट कीपर बल्लेबाज है, खेलेंगे ओपनिंग करा के देंगे। अब इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अभी हमने मलेशिया टी टेन बेस वाला टूर्नामेंट कवर किया था वहाँ पे हर गेम में ओपनिंग करा रहे थे प्लस विकेट कीपिंग करा रहे थे, 3 मैच में 5 रन था तो ठीक है। और यहाँ पे स्मॉलिक और हेटवेट की टीम में मोहम्मद वकास के साथ बिल्कुल भी जाने अगर खेलते हैं तो ठीक है, सेफ रहेगा, ओपनिंग करेगा। हसन मासूद इनके साथ ओपनिंग करेंगे, इन्होंने केएल टी20 बेस वाला टूर्नामेंट में 3 मैच में 40 रन था प्लस 4 ओवर था। आप स्मॉलिक और हेटवेट की टीम में हसन मासूद को भी पिक करेंगे, हालांकि है बल्लेबाजी क्रम में लेकिन ये पार्ट टाइम बॉलिंग डालते हैं क्योंकि केएल टी20 बेस वाला में ये पार्ट टाइम ही डाल रहे थे। ग्रैंड डुम्बल टी10 वाला भी टूर्नामेंट खेला था, 1 मैच में 2 ओवर डाल के 2 विकेट था, भले से 41 रन था तो टी10 के अंदर कन्फर्म इनको 2 ओवर मिलनी चाहिए। सैयद जफर मेहदी मलेशिया टी10 के अंदर 2 मैच में 2 ओवर डाल के 2 विकेट है प्लस 20 रन है, सैयद जफर मेहदी खेलेगा। आप स्मॉली की टीम इनके साथ भी जा सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि है विकेट कीपर में तो कन्फर्म नहीं है। अगर अवकाश विकेट कीपिंग करेंगे तो फिर ये बॉलिंग नहीं करेंगे, अगर एक विकेट कीपिंग करते तो फिर बॉलिंग करने का कोई उम्मीद ही नहीं रखना। मोईज खान बढ़िया बॉलर है, नो डाउट, एशिया टी10 चैलेंजर कप में स्ट्रगल किया था लेकिन अभी टी20 जो हमने टूर्नामेंट देखा था ना वहाँ पर मोईज खान को टीम पार्ट टाइम ओवर में यूज़ करी थी। MCA टी10 वाला टूर्नामेंट में 2 मैच में 4 ओवर कर रहा था तो कन्फर्म ये भी 2 ओवर डालनी चाहिए मोईज खान। ऑलराउंडर सेक्शन में 4-5% सिलेक्शन है लेकिन आपको लेने हैं। सैयद उमर हाथ में केवल फील्डिंग करेंगे, दिलावर अब्बास टीम के बढ़िया बॉलर रहेंगे। ग्रैंड डुम्बल टी10 टूर्नामेंट में इन्होंने 1 मैच में 2 ओवर डाल के 2 विकेट भी था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बॉलिंग में बल्ले बल्ले कन्फर्म आपको लेने हैं। सैफुल इस्लाम का भी वहीं हाल है, टीम के बढ़िया बॉलर ये भी रहेंगे दोस्तों और ये भी कन्फर्म आपको 2 ओवर डालते नजर आएंगे सैफुल इस्लाम, ठीक है। इन्होंने 1 मैच में विकेट लेस गए थे, ग्रैंड डुम्बल टी10 का फर्स्ट एडिशन था इसी ईयर में, वहाँ पे बॉलिंग में अवेलेबल है आप ले सकते हो, 2 ओवर डालनी चाहिए। एहसान यूसुफ ने 1 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था ग्रैंड डुम्बल टी10 में ही। उनके अलावा उस्मान अहमद केवल फील्डिंग कराई थी, 1 मैच खेला था। रानी राय ने कुछ खास नहीं करे हैं। मोहम्मद निस्तार हुसैन 4 मैच में 6 ओवर डाल के 2 विकेट है। ग्रैंड डुम्बल टी10 का टूर्नामेंट फर्स्ट एडिशन हुआ था ना इसी ईयर में, वहाँ पे को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेफ रहेगा मोहम्मद वकास पहला, हसन मासूद दूसरा। अब अवकाश नहीं खेलेगा तो जफर मेहदी खेलेगा विकेट कीपर से, क्योंकि इन दोनों में से जो भी खेलेगा आप उनके साथ जा सकते हो, बढ़िया रहेंगे दोनों को ही। अब मोईज खान इनको आप कवर करो, दिलावर अब्बास को रखो, सैफुल इस्लाम को पिक करो, उनके अलावा ले सकते हो निस्तार हुसैन को लेकिन ये भी कंफर्म बॉलर नहीं है, कम्प्लीटली बॉलर नहीं है। बेंच वाले जो भी प्लस बैठे स्टार्स हमने सबका निकाला है, जिनका जिनका मेरे को मिला है, बाकी जिनका नहीं मिला अगर उनमें से भी कोई प्लेयर्स वगैरह खेलता है तो फिर वो देखने वाली चीज़ रहेगी कि टीम कितने बॉलर खिला रही है, उसके बाद हम आपको टीम टेलीग्राम पे देंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर करना। विकेट कीपर में मैं स्मॉली की टीम समय अभी के लिए मोहम्मद वकास को पिक करूंगा। अगर मोहम्मद वकास नहीं खेलेगा तो सफिकुल इस्लाम के साथ जाइएगा, और अगर ये भी नहीं खेलता है ना तो जफर मेहती के साथ जाइएगा, लेकिन अगर इन तीनों में से मतलब तीनों के तीनों खेल रहे हैं तो मोहम्मद वकास को पिक करो। अगर मोहम्मद वकास नहीं खेल रहा सफिकुल इस्लाम को पिक करो, अगर ये भी नहीं खेल रहा तो जफर मेहदी को रखो, ठीक। बल्लेबाजी क्रम में आएंगे, हसन मासूद को पिक करेंगे स्मॉली की टीम में, जाकिर हुसैन को पिक करेंगे, सेफ रहेंगे। राकिब को हम रखेंगे स्मॉलिक और हेटवुड की टीम में। फिर एंगल राउंडर सेक्शन में सागर को पिक करेंगे, उनके अलावा इनका नाम क्या भैया साहुल, इनका मेरे को स्टेटस मिला नहीं, बढ़िया। फैजुल रहमान खेलेगा, ये भी ओपनर है लेकिन लास्ट के 2 गेम से तो खेला नहीं है। शमसुल हक रहेगा, सुजान अली जो 2 बार डाल रहे थे तो आप इनको रखो, मोईज खान को पिक करो। उनके अलावा फिर आइएगा बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में दिलावर अब्बास रहेगा, अनवर जहीद रहेगा स्मॉलिक और हेटवेट की टीम में, इनका नाम क्या है यार, सैफुल इस्लाम में भी 2 ओवर डालनी चाहिए क्योंकि इन्होंने रिसेंट के मैच में 2 ओवर डाली है। रही बात कैप्टेंस वाइस कैप्टेंसी की तो सागर मेरा कैप्टन रहेगा, वाइस कैप्टेंसी स्मॉली की टीम्स में अभी के लिए मैं हसन मासूद को करूँगा। शमसुल हक के साथ आप हिस्से जा सकते हो, वो भी सेफ रहेगा। मेरा तो डेमो टीम है, मैंने 6-5 का कॉम्बिनेशन बनाया है, एक्टिव से मैंने 5 रखा है, BLO टीम से मैंने 6 रखा है और यही हमारा अभी के लिए डेमो टीम है। फाइनल टीम टेलीग्राम पर आफ्टर टॉस मिलेगी तो टेलीग्राम पर जुड़ना। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक।